नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। गोंडा में प्राचीन खाकीदास बाबा मंदिर को लेकर मचे बवाल के बीच गोंडा सांसद व मंदिर के पुजारी ने आरोपों को निराधार व फर्जी बताया है। कई चैनलों पर एक साजिश के तहत खबर चलाकर मंदिर को तोड़ने की बात कही गई, लेकिन मौके पर मंदिर पूरी तरह खड़ा है। मंदिर परिसर और बरामद जो काफी जर्जर, तो उसको तोड़कर जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। यह मंदिर लगभग 130 साल पुराना है। इस मंदिर का देखरेख मनकापुर राजघराने द्वारा पिछले 130 सालों से किया जा रहा है, जिसका बीच बीच में जीर्णोद्धार राज परिवार द्वारा ही कराया जाता है। सांसद ने मीडिया से बताया कि साजिश के तहत बिना तथ्यों के एक भ्रामक खबर चलाकर झूठ फैलाया जा रहा है। मंदिर ध्वस्त कर व तालाब कब्जे को लेकर क्षेत्र में फैली झूठी खबर पर रफीक बाजार के लोगों ने उसे अफवाह बताया है। यहां मंदिर पूरी तरह सही सलामत दिखा, परिसर को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा है। परिसर की जर्जर हालात देखकर यहां पता चलता है कि यह कितना पुराना खंडहर है। खंडहर हो चुके इस परिसर के छतों पर पेड़ व झाड़ियाँ उग चुकी हैं। पेड़ों की लताओं ने छत तोड़कर अंदर कमरे तक घुस चुकी हैं। यह परिसर किसी के लिए उपयोगी नहीं था। यहाँ मंदिर कितना पुराना है, इसका एक जीता जागता सबूत तब मिलता है कि यहाँ वर्षों पुरानी ईंटें मिली हैं। ये ईंटें 1899 व 1940 की हैं। इस मंदिर में पुजारी भी हैं, जो प्रतिदिन यहाँ पूजा करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर व मंदिर परिसर लगभग 120 से अधिक साल का पुराना है। भक्तों के बैठने के लिए यहाँ सुरक्षित स्थान भी नहीं था। स्थानीय लोगों, दुकानदारों वह पुजारी के द्वारा पिछले 4 सालों से इसके जीर्णोद्धार की मांग सांसद कीर्तिवर्धन से की जा रही है। कई वर्षों से मांग को मानते हुए सांसद द्वारा इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया गया है। मंदिर जस का तस खड़ा है। वहीं इस मंदिर परिसर के दुकानदारों ने बताया कि परिसर बहुत कमजोर हो गया था, दुकानें कमजोर हो गई थी। परिसर को दोबारा बनाने के लिए बार बार सांसद से मांग की जा रही थी। ये उन्हीं की संपत्ति है, उनके परिवार द्वारा ही इसकी देखरेख व मरम्मत कराई जाती है और मंदिर जहां पर था वहीं पर है। इसमें जो है मंदिर कई विगत वर्षों से जीर्णोद्धार के लिए इसकी मांग की जा रही है और ये हमारे माननीय सांसद राजा भैया की जो है संरक्षण में है। और उसके बाद जो है दुकानदारों ने और मंदिर का पूरा परिसर, मंदिर का पूरा कमरा बरामदा सब जर्जर था और चू रहा था और धोधरा ले ले ईंटा गिर रहे थे। आने जाने में दर्शकों को बड़ी दिक्कत होती थी बैठने उठने में। 4 मई 2020 से जो है जीर्णोद्धार के लिए इसमें काम लगाया गया और कुछ रास्ता जो है पीछे के लिए मलबा वगैरह जो है तमाम थे, मैंने गंदगी किए थे सर आस पड़ोस के लिए, तो उसमें मिट्टी डलाई गई रास्ता के लिए। मंदिर नहीं तोड़ा गया, मंदिर तो पूरा जो है ऐसे खड़ा है, मंडप दरबार जैसे के तैसे। मंदिर नहीं, सिर्फ मंदिर में ये बताया गया था कि इसकी जो है टाइल्स लगाई दी जाएगी, इसको रंगाई बताई, इसकी मतलब मंदिर की और व्यवस्था की जाएगी। मंदिर तो पूरा परिसर मंदिर मंडप खड़ा हुआ है। मंदिर तो नहीं, मंदिर के आगे जो है दुकानें बनी हुई थी जो पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, उसके छत पर सब गिर रहा था। तो हम लोगों दुकानदार लोगों ने जो है राजा भैया को कीर्तिवर्धन सिंह जी से जो है विनम्र निवेदन किया, तो हम लोगों के निवेदन स्वीकार करके जो है वो दुकानें सब नई नव निर्माण करवा रहे हैं। और मंदिर का भी कुछ मंदिर तो ऐसे आप देख लीजिए वैसे ही खड़ी हुई है। और रही बात मंदिर में, मंदिर जहाँ पे है वहीं पर सब कुछ है। मंदिर में कोई हाथ नहीं लगाया है। किसी के मंदिर के तोड़ने वोड़ने की बात आई थी, तो क्या ये बात भी कही? नहीं, ये सब गलत बात, सब मंदिर अपने जगह पे है। दुकानें में आपकी भी दुकान थी? जी, हमारी भी दुकान थी वहाँ पे। कितनी दुकानें थी इस परिसर में? इसमें 5 दुकानें थी। और जैसे जो अंदर पुजारी जी का कमरा देखा गया वो भी बड़ा जर्जर था, तो हाँ, वो भी बनवा, हाँ उसमें भी बनवाएंगे। वह इस मंदिर के संरक्षक बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भू माफियाओं, खाद्यान्न माफियाओं द्वारा ऐसा झूठा और बेबुनियाद आरोप अक्सर लगाया जाता है। खाकीदास बाबा मंदिर उनके परिवार के अधीन है, निजी संपत्ति उनकी है। 100 सालों से अधिक समय से उनका परिवार मंदिर की देखरेख, जीर्णोद्धार, मरम्मत कराता आया है। इस समय भी जीर्णोद्धार का काम ही हो रहा है। स्थानीय व रफीनगर के लोगों की मांग थी कि मंदिर परिसर व दुकानों का निर्माण दोबारा कराया जाए। मंदिर जर्जर होने के कारण परिसर में किसी तरह का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। मंदिर भवन जस का तस बना हुआ है। लोगों की मांग पर जीर्णोद्धार का काम कराया जा रहा है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने अपने क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया है। इनमें से एक मनकापुर के पास स्थित भगवान शिव का
कारोहानाथ मंदिर है जो इन्हीं की जमीन पर है और सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने श्रद्धालुओं के लिए भव्य मंदिर भी बनवाया है। आप ये जो बात कर रहे हैं खाकीदास बाबा मंदिर का है जो मनकापुर बाजार में चौक में रफीनगर में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुश्तैनी शमनों का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसमें आपको ये समझ लीजिए कि 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है और इसकी देखरेख हमारे परिवार द्वारा ही आज तक की गई। इसमें जो जहाँ तक मंदिर की बात है, इसमें जो परिसर में मुख्य मंदिर एक है जिसका भवन अलग है और उसके बाद सामने की तरफ कुछ दुकानें थीं, बगल में एक बरांडा है और एक पुजारी जी का कमरा है। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम आज से 4-5 साल पहले हम ही लोगों ने किया था। आपने देखा होगा मंदिर वहाँ पर पूरी तरह स्थित है, मंदिर का बाल बाका नहीं हुआ, उसका रंग और आपको लग रहा होगा नया निर्माण किया गया। उसके बाद बहुत पुरानी मांग थी कि जो बरामदा है गिर रहा है, जो वहाँ की दुकानें हैं वो जर्जर हैं, जो मुख्य द्वार है वो गिर रहा है, वहाँ पर जो अंदर आते आते लोग हैं, वहाँ पर जो फंक्शन होते हैं तो लोगों को खतरा बना रहता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। बड़ी पुरानी मांगें चल रही बाजार वालों की तरफ से और आजकल उसी का काम, उसी के जीर्णोद्धार का काम हम लोगों ने चालू किया था। मंदिर का मुख्य भवन पूरी तरह सुरक्षित है, आप लोग शायद देखा होंगे, नहीं तो मेरी आग्रह आप वहाँ मौके पर जाके देख लीजिए। और उसके परिसर में सामने के तरफ जो वरांडा है, बगल में वरांडा है, दुकानें थी वो भी जर्जर अवस्था में पड़ी है, कुछ अभी शेष भाग होगा आपको भी दिख जाएगा कितना जर्जर है और उसका पुनः निर्माण कराना अत्यंत आवश्यक था। ये हम लोगों के देख रेख में पूरा मंदिर रहता है और इसी का पुनः निर्माण हम लोग करा रहे हैं। जहाँ तक वहाँ पे एक तालाब की बात लोग कह रहे हैं वो भी पूरी तरह से असत्य है। वहाँ पे ना तालाब मौके पर है और ना वहाँ पे कागज़ में कोई तालाब है।